उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू कांड की सबसे अहम कड़ी राहुल तिवारी से मंगलवार रात पुलिस ने चौबेपुर थाने में पूछताछ की। राहुल ने सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। राहुल ने दावा किया कि 1 जुलाई को वह एसओ विनय तिवारी के साथ बिकरू गांव गया था, वहां विकास उसे मारना चाहता था, लेकिन एसओ ने जनेऊ दिखाकर इज्जत की दुहाई दी, तब विकास ने उसकी जान बख्श दी। कोरोना महामारी के दौरान चुनौतियों से जूझते हुए सेवाएं देने पर राज्य परिवहन निगम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि सामान्य दिनों में हर व्यक्ति एवं संस्था अपना काम कर सकती है, लेकिन आपदा एवं चुनौतियों से जूझते हुए परिणाम दे पाना यह किसी भी व्यक्ति और संस्था के लिए सबसे बड़ी कसौटी होती है। उस कसौटी पर खरा उतर कर परिवहन निगम ने खुद को साबित किया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश के गुना में दलित किसान परिवार पर पुलिस की बर्बरता की घटना पर आक्रोश जाहिर किया है। मायावती ने कहा है कि सभी सरकारें दलितों को बसाने का ढिंढोरा पीटती हैं, लेकिन उन्हें उजाड़े जाने की घटनाएं आम हैं। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही कोई अंतर नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने अपने एक साथी छात्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस लड़के ने सोशल मीडिया पर उसे धमकी दी थी कि फिर से विश्वविद्यालय खुलने के बाद उसे पीतल का हिजाब पहनना होगा। मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने अलीगढ़ के SP अरविंद कुमार को पत्र लिखकर छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग की है। कानपुर शूटआउट में निलंबित दरोगा KK शर्मा के बारे में नया खुलासा हुआ है। सस्पेंड दरोगा KK शर्मा 29 जून को गैंगस्टर विकास दुबे के राइट हैंड कहे जाने वाले अमर दुबे की शादी में शरीक हुए थे। शादी में शामिल दरोगा की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें वह अमर और उसकी पत्नी खुशी को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि कानपुर शूटआउट मामले में पुलिस कर्मियों की विकास दुबे के साथ संलिप्तता भी सामने आई। आनन फानन चौबेपुर थाने के SHO विनय तिवारी और दरोगा KK शर्मा को निलंबित करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। इतना ही नहीं, हाल ही में KK शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए अपनी जान को खतरा बताया था। संदिग्ध दरोगा ने यह भी कहा था कि बिकरू गांव हत्याकांड और विकास एनकाउंटर मामले की CBI जांच कराई जानी चाहिए।